अच्छा जी देखो क्या है। हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होगा। एग्जांपल बोल रहा है तो एग्जांपल का दिया हुआ है कॉस अल्फा 1/2 के बराबर है, कॉस बीटा √3/2 के बराबर है। बोला अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब अल्फा बीटा यानी दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये दोनों, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों में पॉजिटिव वैल्यू दी गई इन्होंने। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का हमें फार्मूला पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यस सर, ये फार्मूला होता है, यस सर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ तुमको मालूम है, कॉस अल्फा चाहिए तुम्हें, कॉस अल्फा दिया हुआ है, यस सर, कॉस अल्फा की वैल्यू, ठीक है, यस सर। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला तुम्हें क्या मालूम करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, यस सर। इसका फार्मूला लगाओगे, इसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यस सर। अब तुम्हें कॉस अल्फा पता होना चाहिए, कॉस बीटा पता होना चाहिए, साइन अल्फा पता होना चाहिए और साइन बीटा पता होना चाहिए। अब जो कॉस अल्फा पता है, यस सर, कॉस अल्फा पता है, कॉस बीटा पता है, कॉस बीटा भी पता है, साइन अल्फा साइन बीटा नहीं पता, साइन अल्फा साइन बीटा निकालना है ना, यस सर। अब हम निकालेंगे कैसे, हमें फार्मूला पता है, क्या निकालना है, साइन अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा चाहिए, यस। तो तुम्हारे पास फार्मूला तुम्हें पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 के बराबर होगा, यस सर, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा रखो, अल्फा रखो, जरूरी, यस। तुम्हें अल्फा निकालना है ना, तो यहाँ अल्फा रख दोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 के बराबर है, यस सर। क्या चाहिए तुमको, साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा को दी रखोगे तो कॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। और फिर रूट डालोगे दोनों जाने पर तो ये प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो साइन अल्फा हमें चूंकि साइन अल्फा निकालना था, यस सर, साइन अल्फा हमने देख लिया इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, यस सर। तो हमें लिख लिया प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या दी गई, दी भी यहाँ पर 1/2 रख दी उसके स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करना तो आता है ना, यस सर, ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ गया √3/2, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ आ रहा है, यस सर। ये किसकी वैल्यू निकली, साइन अल्फा की वैल्यू, और ये बोला अल्फा और बीटा दोनों कहाँ पर है, फर्स्ट क्वार्टर में साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो, यस सर, साइन अल्फा हो जाएगा √3/2, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रही है ना, सर, पॉजिटिव ले, आप पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, फर्स्ट क्वार्टर, उसने बोल दिया अल्फा और बीटा कौन सा, फर्स्ट क्वार्टर में, यस सर। तो साइन अल्फा का मतलब क्या हुआ, यानी फर्स्ट क्वार्टर में साइन थीटा किसके पास होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे √3/2, यस सर, ठीक है। सिंस अल्फा इज इन द फर्स्ट क्वार्टर साइन अल्फा भी पता चल गया, यस सर, साइन आपका मालूम करना है, साइन बीटा दोबारा वही फार्मूला लगाओगे, ये अल्फा के टर्म में लिख गया, बीटा के टर्म में साइन बीटा पर हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस बीटा, यस सर, ठीक है। 1 माइनस कॉस बीटा को दिया गया √3/2 इसका स्क्वायर √3/2 रखोगे इनको सॉल्व करो, इसके भी आंसर आ गया प्लस माइनस में 1/2, यस सर, ये निकला साइन बीटा। अब साइन बीटा प्लस में लोगे माइनस में लोगे, प्लस में लोगे, क्यों, फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में, और साइन बीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर में साइन बीटा की साइन एंगल जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 1/2 पॉजिटिव में लोगे, यस सर, वरना साइन बीटा इज इन द फर्स्ट क्वार्टर। अब तुम्हें सारी चीज़ें पता चल गई, ये और ये पता चल गया, वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें निकालना था कॉस अल्फा माइनस बीटा, यस सर, ठीक है ना, फार्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना था तुमको, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यस सर। कॉस अल्फा की वैल्यू डी बी यहाँ पर रखी, मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करी, प्लस साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, साइन अल्फा की वैल्यू निकाली √3/2 प्लस 2 में प्लस की मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 प्लस। अब इनको सॉल्व कर सकते हो, यस सर, इनको मल्टीप्लाई कराओगे, इनको मल्टीप्लाई कराओगे, फिर उनके एलसीएम लोगे तो कर के आंसर आ गया, यस सर, इस तरह करना, समझ में आ गया, यस सर। इस तरह कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14 के सारे पार्ट इसी तरह होंगे, यस सर, ठीक है, यस सर, ये सारे पार्ट करोगे, ये तुम्हारा टास्क है।